जय श्री कृष्णा के नाद के साथ अनुपमा ने कर दी है अपनी नई जंग की शुरुआत, उड़ा दिए हैं बरखा अंकुश के होश। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो अनुपमा ने नई जंग की शुरुआत कर दी है दोस्तों, और ये नई जंग किसी के नहीं बल्कि अपने अनुज के लिए, अपनी बेटी आध्या के लिए, जिनके मन में क्या है वो हम सब जान चुके हैं। खैर, अनुपमा तो अनुपमा है, उसने जो शुरुआत की है जय श्री कृष्ण कह के अंकुश और बरखा को, उनके होश तो उड़ा ही दिए हैं। आगे क्या होता है बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। पहुंच गई अनुपमा अंकुश बरखा के घर पर, और किस डिफिकल्टी से पहुंची वो भी हमने देखा। पैर सही से चलते नहीं है, मगर अनुपमा के इरादे बहुत सही चलते हैं। अगर आध्या को ढूंढने के लिए अंकुश बरखा के घर जाना है तो जाना है। तो अनुपमा जब पहुंची तो देखकर हैरान रह गई। हमने देखा कैसे अयाशों की पार्टी चल रही है। अनुपमा के लिए सच में बड़े दुख की बात थी कि अंकुश भैया कैसे ये सब कर सकते हैं, कैसे उनको नहीं पता कि अनुज कहां पे है। ये सब सवाल है अनुपमा के, और इनके पास इतना पैसा आया कहां से। अंदाजे तो काफी हद तक अनुपमा लगा ही चुकी होगी, क्योंकि अनुपमा शुरू से जानती है कि बरखा भाभी कैसी है, मगर फिर भी उनके मुंह से सुनने का मतलब ये है उसको पैसा नहीं चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको सिर्फ आध्या का पता चाहिए। उसके मन में बिल्कुल क्लियर है कि मुझे आध्या का पता इन लोगों से जानना है, क्योंकि इन लोगों ने ही बोला था कि आध्या हॉस्टल में है। अगर आध्या हॉस्टल में है तो इन्होंने अनुज को क्यों बोला कि आध्या मर चुकी है। तो आध्या हॉस्टल में है तो इनके पास पता होगा, वो पता लेके मैं आध्या तक पहुंच सकती हूँ और अपने अनुज को ठीक कर सकती हूँ। अनुपमा की वन लाइन स्टोरी क्लियर है इस जंग में, मगर इनके पास एकदम से कोई जवाब नहीं है, क्योंकि इनको तो पता ही नहीं था कि अनुपमा अचानक से सामने आ जाएगी। अनुपमा की दहशत, अनुपमा का डर इनकी आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि अनुपमा को तो ये अच्छी तरह से जानते हैं, और ये डर ज्यादा अंकुश की आंखों में दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसने ना सिर्फ अनुज के साथ बुरा किया है बल्कि अनुपमा को भी अंधेरे में रखा, जिसको वो बहन मानता था, जिसकी बातें मानता था। और अनुपमा ने जितने एहसान अंकुश पे किए हैं अंकुश कैसे भूल गया, अब उसको याद आएंगे। हो सकता है अंकुश का दिमाग ठीक करने रोमिल भी आए, क्योंकि रोमिल को भी कहां ये सब कुछ पता होगा। तो ये जो जंग की शुरुआत हुई है, और इसकी शुरुआत में साधु बाबा ने कहा है कि आसान नहीं होगी। वैसे तो साधु बाबा को आने की जरूरत नहीं थी, हम सबको पता है कि अनुपमा की कोई भी जंग आसान होती ही नहीं है, डिफिकल्टीज पे डिफिकल्टीज आएंगी, मगर वो जीत जो है उसको ही सोच के चलते हैं हम लोग की जीत अनुपमा की होगी। अनुपमा इस अंकुश और बरखा के होश ठिकाने लाएगी, और यही डर इनके मन में अब बैठेगा, और अब ये और गलतियां करेंगे, अब ये और हवा में उड़ेंगे कि हाँ हो गए ना एक्सपोज, अब देखते हैं क्या करती है अनुपमा, हमने तो कुछ गलत नहीं किया, इसके पास क्या सबूत है, ये सब चीजें करेंगे। तो देखना जो है दिलचस्प होगा, क्योंकि अब ये शुरुआत हो चुकी है, आगे आगे बहुत कुछ है जो हमारे सामने आएगा, इनके बड़े बड़े पाप सामने आएंगे, और जब वो सामने आएंगे तो वनराज शायद हमें कम पापी लगे, छोटा लगे इनके पापों के सामने। तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है, कमेंट कीजिएगा अगर वीडियो पसंद है, आपका कोई अंदाजा है तो भी आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। कीप वॉचिंग हंगरी स्पिरिट्स चैनल, थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.